हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आज हम व्यक्तित्व के प्रकार, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। टॉपिक इसलिए कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यूपी टेट 2017 में कई लोगों के नंबर इस पर रुके हुए हैं, कैनन एंड क्रिश्मर। तो आज मैं पूरे डिटेल में विद प्रूफ विद क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किसने क्या बताया है, कैसे बताया है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, कैनन ने क्या कहा है, क्रिश्मर ने क्या कहा है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है कि व्यूवर्स की समस्या क्या है, उन्हें किस चीज़ पर मार्क्स मिलेंगे या उनको कौन सी सही जानकारी दी जाए। तो काफ़ी कुछ खोजबीन करने के बाद मुझे जो समय मिला, उसके बाद जो भी साक्ष्य मुझे मिले, मैं इन पर अब चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले जान लीजिए कि व्यक्तित्व संबंधी व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं को जानने के लिए व्यक्तित्व के प्रकारों को जानना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया है। तो मुख्यतः ये तीन वर्गीकरण आप देख सकते हैं: शरीर रचना का दृष्टिकोण यानी कॉन्स्टिट्यूशन व्यू पॉइंट, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीन आधारों पर व्यक्तित्व के प्रकारों का बंटवारा किया गया है। अब शरीर रचना का जो दृष्टिकोण है, यहाँ से शुरू किया जाए, अगर हम पहला शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्मर, सबसे पहले क्रिश्मर ने शरीर रचना का दृष्टिकोण किया था। इन्होंने तीन प्रकार बताए थे क्रिश्मर ने, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। लंबकाय, गोलकाय और सुडौलकाय, ठीक है, ये तीन मुख्य प्रकार हैं। और लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय, ठीक है, और एक डायस प्लास्टिक भी है। तो इनमें से जब इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसे डायप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये चौथा प्रकार है, मुख्यतः उन्होंने तीन बताया है। चलिए, लंबकाय, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, इनका सिर लंबा, भुजाएं पतली, सीना छोटा, हाथ पैर लंबे पतले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी आलोचना को सुनना पसंद नहीं करता, वरन दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है। ये लंबकाय के गुण हैं। अब मैं आपको गोलकाय के गुण बताता हूँ, जिसे पाइकनिक कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति में कद में नाटे छोटे, गोल और चर्बी वाले हैं। ये आराम तलब सामाजिक होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी मैं कैनन की भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया और दोनों में सही कौन सा है। इसके बाद सुडौलकाय, इस प्रकार के व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ होते हैं, इनका सीना चौड़ा, उभरी हुई मजबूत भुजाएं, मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, ये दूसरों की इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं। और डायस प्लास्टिक होते हैं, इनमें उपर्युक्त तीनों प्रकार का मिश्रण होता है, इस प्रकार के लोगों का शरीर साधारण होता है। अब अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शेल्डन, वैसे ये ज़रूरी नहीं इस टॉपिक पर, लेकिन फिर भी शेरडन का भी आप लोग जान लीजिए, उन्होंने भी जो है शारीरिक आकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। उन्होंने भी गोल आकृति, आयत आकृति और लंबा आकृति तीन बताया है। तो ये शेरडन का है, ठीक है। तो इस तरह से क्रिश्मर ने शारीरिक रचना, ये आप ध्यान रखें, रचना, ठीक है, के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अब मैं आता हूँ मनोवैज्ञानिक कैनन पर, ठीक है। कैनन ने क्या बताया है, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया है। अब इन्होंने कौन सा वर्गीकरण किया है, देखिए, इन्होंने पहले, अच्छा जान लीजिए, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। व्यक्ति के विकास पर ग्रंथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इनका है का जो है वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि वाला, चलिए,
थायराइड ग्लैंड, फिर पिट्यूरी ग्रंथि वाला दूसरा है पिट्यूरी, ये आपको भविष्य में भी याद रहेगा और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, अंत तक मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सही है। और इनका जो गा है वो है एड्रिनल ग्रंथि वाला। अब देखिए इसका मैं अच्छा आपको साक्ष्य भी बता दे रहा हूँ, आप जब मालती सारस्वत की पुस्तक देखेंगे ठीक है, तो उसमें पेज नंबर 551 और 552 ज़रूर पढ़िए, मालती सारस्वत की पुस्तक, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और जो कि बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक कैनन ने ही ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। थायराइड ग्रंथि वाले इससे निकले स्राव को थायरेक्सिन कहते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन व्यक्तियों में इस ग्रंथि का विकास ठीक से नहीं होता वे मंदबुद्धि, बौने कद और दुर्बल होते हैं, ये आलसी, चिंतित, सुस्त तथा सदा उदास दिखाई देते हैं। इस ग्रंथि के ठीक से कार्य ना करने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक और चित्त प्रसन्न रहता है। ये थायराइड ग्रंथि हो गया। अब मैं पिट्यूरी ग्रंथि के गुण बता दे रहा हूँ। इस ग्रंथि के अधिक स्राव होने पर शरीर लंबा हो जाता है, यदि कम स्राव होता है तो बौनापन आ जाता है और शरीर का विकास ठीक से नहीं होता, ये पिट्यूरी ग्रंथि का है। यदि यह ग्रंथि ठीक से कार्य करती है तो व्यक्ति प्रसन्नचित्त, शांत स्वभाव, धैर्यवान, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने वाला होता है। और अंतिम जो प्रकार इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकृत किया है वो है एड्रिनल। इस ग्रंथि का अधिक विकास होने पर व्यक्ति लड़ाकू व झगड़ालू स्वभाव के एवं परिश्रमी होते हैं, इनका विकास समय से पूर्व हो जाता है। तो ये कैनन ने बताया है। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे, क्रिश्मर को और कैनन को, यहाँ मैं चलिए लिख के समझा दे रहा हूँ, क्रिश्मर ने शारीरिक रचना बताई है, शारीरिक रचना, और केनन ने बताया है, एक सेकंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब आप एक बार वो प्रश्न देख लीजिए जो विवादित है, आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है, इसे एक बार पढ़ लीजिए कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, यही पूछ रहा है ना। तो जब बात ग्रंथियों की आएगी तो सही जवाब होगा कैनन, और शारीरिक रचना की बात होगी तब सही होगा क्रिश्मर। तो यहाँ पर कैनन सही उत्तर है, क्रिश्मर गलत उत्तर है। क्रिश्मर ने शारीरिक रचना पर बताया है, कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बताया है। पहले जो आंसर की थी उसमें सही जवाब था कैनन, रिवाइज्ड आंसर की जो आई उसमें जवाब हो गया क्रिश्मर, ठीक है। तो इस एक प्रश्न के विवाद पर काफ़ी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि उन्हें क्रिश्मर पे नंबर मिलेगा या कैनन पे मिलेगा, कैनन पे मिलेगा तो क्रिश्मर वालों का घटेगा, क्रिश्मर पे मिलेगा तो कैनन वालों को घटेगा। दोनों में चांस क्या हो गया है कि पहले कैनन को मिला था, अब क्रिश्मर को मिल गया, तो कैनन वाले घट गए, क्रिश्मर वाले पा गए। लेकिन सही जवाब है कैनन, प्रूफ है आपके पास कैनन का, कोर्ट गए हैं लोग कैनन के लिए, पेपर में कौर ने भी आपत्ति की है कैनन के लिए, सही जवाब भी है कैनन। तो क्या फिर से जो उत्तर माला आएगी उसमें कैनन पे नंबर मिलेगा या क्रिश्मर पे मिलेगा, क्रिश्मर वालों का नंबर कटेगा या कैनन वालों का नंबर कटेगा? तो ये विवाद पीएनपी के सर की सबसे बड़ी दुखदाई घटना हो सकती है अगर इन्होंने कैनन पर नंबर नहीं दिया तो, क्योंकि कोर्ट में जो प्रूफ गया, जो ऑब्जेक्शन है और जो सही है वो कैनन है, बिल्कुल 100% राइट है, ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो जिन लोगों ने कैनन ऑप्शन लगाया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें कैनन पर नंबर 100% मिलेगा, चाहे पीएनपी से या फिर कोर्ट से, आपको एक नंबर कैनन के लिए मिलेगा क्योंकि ये सही है। अगर कैनन पर नंबर नहीं मिलता तो इसका मतलब न्याय नहीं हुआ है, आपको गलत अंक के, मतलब गलत उत्तर के लिए अंक काट लिए गए हैं। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार और इनका वर्गीकरण कैनन क्रिश्मर विवाद पर मेरा एक वीडियो था दोस्तों। आशा करता हूँ कि मैंने जिस तरह से समझाया है आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा, और भविष्य में कभी इस प्रकार की अगर कोई समस्या आएगी तो आप लोग अपने विवेक से काम लेंगे और इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो
तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, शारीरिक रचना का दृष्टिकोण वो क्रिश्मर का है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैनन ने किया है। तो सही जवाब है उस प्रश्न में कैनन, और गलत जवाब है क्रिश्मर। कैनन के लिए मार्क्स मिलने चाहिए, क्रिश्मर का उत्तर चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। लिखित परीक्षा की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है और सीटेट की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो आप दोनों लोग मतलब दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टेट निकला हो या ना निकला हो। जिनका निकला वो लिखित भी देंगे, जिनका नहीं निकला वो सीटेट केवल देंगे। तो दोस्तों बस जुड़े रहें चैनल से, इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो इसे लाइक करें, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स, वीडियो स्लाइड के लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।